देखिए, मोटिवेटिंग पीपल जॉन एडियर ने मोटिवेशन की जो थ्योरी दी है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसके लिए वो कहता है कि गोल्स जो अचीव करने के लिए वर्कर्स काम करते हैं, और लीडर के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सके और टीम बना के उनको मोटिवेट करे, एक एक इंडिविजुअल वर्कर के अंदर ये जज्बा पैदा कर दे कि हम ये काम कर लेंगे। मोटिवेशन जो है वो इज़ द की परसूट ऑफ गुड रिजल्ट्स एंड इट कम्स टू लाइफ एंड लीडर इंस्पायर चैलेंज एंड इनकरेज। लीडर क्या कहे, इंस्पिरेशन पैदा करे, चैलेंज पैदा करे और इनकरेज करे अपने वर्कर्स को कि तुम कर सकते हो। और अच्छी लीडिंग करने से, देखिए याद रखिएगा, जॉन डियर कहता है कि वर्कर्स जो हैं वो जान लगा देंगे। ये थ्योरी मास्लो और हर्ज़बर्ग से मिलती जुलती है। एडेयर कहता है कि 50-50 रूल बताता है इफेक्टिव मोटिवेशन का। वो कहता है कि 50% जो है वो लीडर मोटिवेट करता है, 50% वर्कर खुद मोटिवेट होता है काम करने के लिए। तो इस तरह ये 100% बनता है। जॉन डियर कहता है कि मैनेजर या लीडर को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले खुद वो मोटिवेटेड हो ये काम करने के लिए, लीडर खुद मोटिवेटेड हो, ठीक है, बी मोटिवेटेड योर सेल्फ, यानी लीडर खुद हो। फिर क्या, सेलेक्ट पीपल हु आर मोटिवेटेड, उनको सेलेक्ट हो जिन लोगों को अपने मोटिवेट करना है। हर आदमी को मोटिवेट नहीं कर सकते आप, जो की लोग हैं उनको मोटिवेट करें जो आपके काम के लोग हैं, ठीक है ना। ट्रीट ईच पीपल एज इंडिविजुअल, हर आदमी को आप इंडिविजुअल देखें, मतलब अलग अलग देखें, यानी कि ग्रुप की शक्ल में देख लिया, आप 10 आदमी थे उनसे 5 से बात की और आपने ख़त्म कर दी, नहीं, एक एक बंदे से अलग अलग बात करनी है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है ना। क्योंकि एक आपने 10 में से 9 से भी बात की तो एक से नहीं की तो वो तो नाराज़ हो जाएगा। अच्छा, रियलिस्टिक और चैलेंजिंग टारगेट रखने, देखिए चांद तोड़ के लाना ये कोई टारगेट नहीं है, ये बहुत नामुमकिन चीज़ है। रियलिस्टिक टारगेट होने चाहिए और चैलेंजिंग होनी चाहिए, डिफिकल्ट टारगेट हो, मज़ा आता है। रिमेंबर प्रोग्रेस मोटिवेट, प्रोग्रेस जब से जिससे बढ़ेगी वर्कर खुद अंदर अंदर मोटिवेट होगा। क्रिएट मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वैसा कर दें जिसमें मोटिवेशन हो, हर आदमी मोटिवेशन का ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर दें कि हर आदमी जान देने को तैयार हो, काम करने के लिए तैयार हो, ये चीज़ें फौज में होता है, ठीक है ना। प्रोवाइड फेयर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड फेयर दीजिएगा वर्कर वरना नाराज़ हो जाएगा, काम ज़्यादा किया रिवॉर्ड आपने लॉलीपॉप दे दी तो वो नाराज़ हो जाएगा। गिव रिकग्निशन ऑफ फॉर सक्सेस, आप उसकी सक्सेस को ना, जो कामयाबी को रिकग्नाइज करें, ठीक है ना, उसको अवार्ड दें, उसे उसका नाम अखबार में डालें, उसको उसके नाम उसके नाम उसकी फ़ोटो जो है वो अखबार में दें और मैगज़ीन में दें, जो अगर ऑफिस का मैगज़ीन है वेबसाइट पर डालें उसकी, ताकि उसे खुश होगा, ठीक है ना। तो ये रूल है 50-50 का। तो इसका कोड है BSST SRCGP। क्या है BST? मोटिवेटेड योर सेल्फ, एस से सेल्फ, सेलेक्ट पीपल हु आर मोटिवेटेड, एस से क्या है, ठीक है ना, फिर टी से क्या है, ट्रीट ईच पर्सन एज एन इंडिविजुअल। तो ये कोड है, इसको याद कर लें, ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देख रहे, ये कोड है, कोड आपने याद कर लिया, BST क्या है, ये हो गया BST SRCRG, ये कोड है, ठीक है, याद कर लिया आपने, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप उससे फीडबैक मैं आपको दे दूंगा, आप क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है ना। पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।